हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। जैसा कि बेटा हम लास्ट लेक्चर में क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे थे, स्टार्ट किया था हमने। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। आज बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हमारे पास है ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। बेटा ओम्स लॉ देखने से पहले आपको एक बार, हमने एक और लेक्चर अपलोड किया है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस उनको डिस्क्राइब किया। तो एक बार आप वो लेक्चर देख के ये लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी एक हमारे पास बैटरी है, जैसे हम ये एक सर्किट बना रहे हैं, यहां पर हमने एक बैटरी लगा लिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव। जो बेटा लार्ज होता है उसको हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो स्मॉल होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से, ओके। और एक मान लो हमने यहां पर एक बल्ब लगा दिया, एक यहां पर की है, ये एक अपना बहुत ही सिंपल सा वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, बल्ब। मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स ये होगी करंट की डायरेक्शन। अगर हम इसको जूम कर लेते हैं, मीन्स कि एक्चुअल में जब भी हम की को ऑन करेंगे एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब करंट फ्लो हो रहा है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं कि इस वायर के अंदर क्या मैकेनिज्म, क्या फिनोमिना अक्कर हो रहा है। तो हमने उसको देखने के लिए हमने इस वायर को जूम किया था लास्ट लेक्चर में। अगर हम आज फिर से इसको जूम करें तो हम क्या देखेंगे, मान लो हम इसको एक बार फिर से जूम कर लेते हैं, और अगर हम जूम करें वायर को, तो हमने वायर को जूम कर लिया और ये हमारा वायर है, क्लियर। अब इस वायर में बेटा क्या प्रेजेंट थे, अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमने देखा ये वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ये चीज बेटा बहुत ध्यान से समझनी है। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि ये हमारे पास एक बैटरी है, मान लो ये बैटरी यहां पर 10 वोल्ट लिखा हुआ है। तो 10 वोल्ट क्या है, इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। मींस अगर ये 5 वोल्ट है, मान लो ये -5 है, तो इनका डिफरेंस क्या है बेटा, 5 माइनस माइनस 5 10 होगा। या आप ऐसे कर लो, ये 10 है, ये 0 है। मींस इन दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस हमें यहां पर गिवन होता है वी में। अब अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास 20 वोल्ट है, मीन्स ये 10 और ये माइनस 10, इस टाइप से हमारे पास दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम यहां लिखते हैं बैटरी के पास वी वोल्टेज, ठीक है। यही बेटा यही एक इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी आज। और हमने ये देखा कि जितना ज्यादा चार्ज है, मीन्स जितना ज्यादा बैटरी का पोटेंशियल, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, या आप सिंपली ये कह सकते हो जितना ज्यादा यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर चार्ज है उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब भी यही है बेटा, फोर्स लगा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भी यही है कि फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज वी है और इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं बैटरी हमारे पास वी है, वी पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इसको इंक्रीज कर दें, मान लो पहले हमारे पास बैटरी थी 10 वोल्ट की, क्लियर। अब हम इसको 10 से 20 वोल्ट कर देते हैं तो बेटा दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा। अब दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा स्ट्रॉन्गली, क्योंकि देखो 10 से 20 किया है तो चार्ज दोनों बैटरी के टर्मिनल के ऊपर इंक्रीज हुआ है। अब इस साइड कौन है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा, अब देखो एक तो पहले सिंपली ऐसा करते हैं कि ये पहले 5 वोल्ट था और ये -5 था, दोनों का डिफरेंस 10। अब हमने क्या किया,
फाइव से इसको भी टेन और इसको माइनस टेन। एक तो बेटा प्लस पांच इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था इस साइड में, और एक अब हमारे पास प्लस टेन है, तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? प्लस टेन। या आप दूसरे वे में ये कह सकते हो, जैसे ही हमने बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट आप बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाह रहे, तो आप सिंपली ये कह दो कि यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। ज्यादा फोर्स लगाएगा मीन्स फोर्स क्या हो गया? इंक्रीज। अब अगर बेटा फोर्स इंक्रीज हो गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन फास्ट आएंगे या फिर स्लो आएंगे? मीन्स तेजी से आएंगे, आराम से आएंगे? फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्विकली मूव करेंगे, मीन्स स्पीड वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज हो गई, तो बेटा टाइम भी क्या हो जाएगा? एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और हमें यह पता है आई का फॉर्मूला क्या था? क्यू बाई टी। अब अगर टाइम डिक्रीज हो रहा है, इट्स मीन करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जैसे ही हमने बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया, वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया, तो हमारे पास करंट सर्किट के अंदर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब हम उल्टा करते हैं, मीन्स पहले हमारे पास 10 वोल्ट था, अब हम 10 वोल्ट की जगह पे अब हम कर रहे हैं बेटा 5 वोल्ट। अब मान लो हमने 10 वोल्ट से घटा के 5 वोल्ट कर दिया बैटरी को, 5 वोल्ट कर दें तो हम ये कह देंगे, या मान लो 6 वोल्ट कर दिया, 4 वोल्ट कर दिया, 6 वोल्ट कर दिया, तो इस साइड प्लस 3 और इस साइड माइनस 3। अब जो स्टार्टिंग में हमारे पास पोटेंशियल था वो क्या था? 5 5, या हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस कहें तो वो क्या था? 10। अब अगर हमने पोटेंशियल कम किया था बेटा, इन टर्मिनल्स के ऊपर चार्ज भी कम है, कम चार्ज है तो वो अब उन फोर्सेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम फोर्स लगाएगा। मीन्स अगर हमने वी डिक्रीज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा। अब फोर्स डिक्रीज होगा, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब अगर अट्रैक्ट कम करेगा तो स्पीड भी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लेगा। और अगर इस फॉर्मूले में देखिए, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से बेटा हम एक कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, करंट हमारा इंक्रीज हो गया, और जैसे ही हमने वोल्टेज को डिक्रीज किया, करंट हमारा डिक्रीज हो गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम सर्किट के अंदर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट सर्किट के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे करंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी का नाम है बेटा ओम्स लॉ। तो ये हमारा क्या है टॉपिक? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ की बेटा आपको स्टेटमेंट लिखनी, ठीक है? ओम्स लॉ की जब भी आप स्टेटमेंट लिखो तो आप क्या लिखोगे कि जो करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अंडर ऑल कंडीशन विल बी रिमेन सेम। मीन्स जो टेम्परेचर है और जो कंडीशंस है, हम उनको चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा करंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगी ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। तो बेटा अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दें तो वी हमारे पास क्या आएगा? आई आर, और आर यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस। आर यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस। और आर है, आर कहां से इंट्रोड्यूस हुआ है? ओम्स लॉ से। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? ओम। बाकी हम रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? आज के लिए आपको सिर्फ ओम्स लॉ स्टडी करना है। अब ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है, मीन्स ओम्स लॉ कहां पर जाकर फेल हो जाती है। मीन्स अगर हम यहां से देखें, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मीन्स अगर हम वी और आई का ग्राफ देखें तो जैसे जैसे बेटा वी इंक्रीज होगा, आई भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वी और आई इंक्रीज होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? ग्राफ। अब एक और चीज देखो, क्या हमेशा ऐसा ही ग्राफ आएगा? अगर आपने सेमीकंडक्टर नाम सुना हो बेटा, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो आई और वी का ग्राफ होता है, आई और वी का ग्राफ, वो कुछ ऐसा होता है। तो क्या यहां पर वोल्टेज और करंट, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं
क्या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं, सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शनल में इंक्रीज नहीं हो सकता। तो ओम्स लॉ की जो लिमिटेशन है तो ये है कि ये सेमीकंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं। एक और बात बेटा कि ये कंडीशन जो जो कंडक्टर भी फॉलो करेंगे उन सब का नाम क्या है? ओहमिक कंडक्टर। मतलब जो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या है? ओहमिक कंडक्टर। अब ये तो है नहीं कि जितने भी हमारे पास कंडक्टर हैं, जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं वो सब इस ओम्स लॉ को फॉलो करें, तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाएगी कि ओम्स लॉ हर एक मटेरियल के लिए, हर एक टाइप का जो हमारा कनेक्टर उसके लिए ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। एक तो ये लिमिटेशन, दूसरा ये लिमिटेशन कि जो ये सब हमने किया है इसके अंदर हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। अगर हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं तो भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होता है, और अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। तो मींस कि अगर हमें ओम्स लॉ है तो ओम्स लॉ सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर सेम टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो हमारा ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक है। एक ये भी है कि ओम्स लॉ, यहाँ पर हमने बैटरी लगाया, यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है। अगर एसी करंट होता उस केस में भी हम ओम्स लॉ की बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये है कुछ एक फेलियर्स की ओम्स लॉ कहाँ कहाँ लिमिटेशन है, क्या क्या लिमिटेशन। ठीक है, तो आज बेटा आपको ये स्टडी करना है ओम्स लॉ। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप शेयरिंग।